बाटो में। अरे भैया, ओ भाभी, अरे तैयार ना हुए तुम दोनों? अरे आ लिए यार। अरे भाभी कहाँ रहेगी? अरे सुनिए भैया, तुम ऐसे कपड़े पहन के चलोगे क्या? अरे ऐसे कपड़ों में क्या बुराई है, तेरी भाभी ने बढ़िया कपड़े पहन लिए, मुझे कौन देख रहा। अरे सुनो, मैं तैयार तो हो गई, पर माँ जी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा जाने के लिए। एक बार आप उनसे पूछ लो, कभी वो आप पे गुस्सा करे। अरे क्यों, माँ क्या तुझे स्पेशल में कहेगी, जब सब जा रहे हैं तो तू भी चलेगी। अरे अब जल्दी चल, कभी माँ गुस्सा करे। तू महारानी कहाँ हो रही है तैयार, और किस से बूझ का हो रही है तैयार? तू क्या घर की बड़ी अपना आप ही बन रही है, बिगर बुझे ही हो रही है तैयार? माँ तू यू क्या कह रही है, मैंने कहा इससे तैयार होने को, जब हम सब जा रहे हैं तो यू घर में अकेली रह गया क्या करेगी, यू भी मारे गैल ही चलेगी। बेटा तेरा दिमाग खराब है क्या, यू क्या करेगी वहाँ जाके? तेरा तन मन से शर्म लिहाज है कि ना? इसने क्या यार तू गैल तैयार होली, हम तो इस घर में पागल है, हमसे कोई पूछता जी ना। क्यों माँ, भाभी हमारी गैल क्यों ना जाएगी, हमारी भाभी तो इतनी सुंदर है, इसमें क्या बेइज्जती हो जाएगी? तो चुपकी बैठी रह, इस सुंदरता को कैसे धर के चाटेंगे हम? 5 साल होगी इसके ब्याह को, मेरा वंश तो आगे चला ना पाई हूँ हैं, और तू कह रही है सुंदर, सुंदर का मैं चार डाल लूंगी। माँ तू ऐसा क्यों बोल ले, अब दुनिया बदल ली, अब तू इन बातों में पड़ी रहे, अपनी सोच को बदल ले, भाभी के फंक्शन में जाने से ना जाने से क्या फर्क पड़ रहा? अरे जब मैंने मना कर दी तो कर दी, हार से थोड़ी पूछ जाएगा कोई वहाँ, अरे पूछ जाएगा मेरे से, मुझे देना पड़ेगा जवाब, सब नुकाएंगे तेरी बहू के बालक क्या है, क्या बताऊंगी मैं वहाँ जाके कि मेरी बहू ऐसी है, बालक ना होते इसके बांझ है, है? अरे एक साल ब्याह को ना हुई है, दुनिया के पोती पोते खेल रहे गोद में, है? मैं तो ऐसा डॉक्टरों के ठाए फिर रही हूँ, होने गई ना? अरे माँ इसमें इसकी क्या गलती है, जो तुझे बाहर भी ना जान देती, और हमें दुनिया से क्या लेना? एक बात बता, है तो सही मेरे दोनों बहन भैया, मैं तो इन्हें अपने बालक समझ लूँ। अरे तू मेरी गल बहस तो करा मत ना, जितना कह रही हूँ उतना सुन ले, बात खत्म, ना जानी ना जानी ना जानी, जानी तो जानी ना बस, और तुझे भी चलना हो तो चल, अब फालतू बोलना मत ना। यहाँ ना जाओगी तो मैं भी नहीं जा रहा, बहुत बढ़िया, हम सब दावत में जाओगे, यू घर में अकेली रहेगी। तो तू अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है, तू मेरी बात टाल रहा ना, तो ठीक है फिर तुम सब चले जाओ, मैं यहीं रहूंगी, मैं नहीं जा रही, जा बात खत्म। माँ जी आप चली जाओ, मैं यहीं रह लूंगी, क्योंकि वहाँ सब पूछेंगे कि माँ जी क्यों नहीं आई, और अगर मैं नहीं गई तो कोई नहीं पूछेगा कि बहू क्यों नहीं आई। यू मेरी बेइज्जती करने को है क्या? अरे ये तो कहीं घर से बाहर जानी ना चाहिए, और ना किसी के ऊपर इसका साया पड़ना चाहिए, बांझ बीरबानी से तो दुनिया बच कर निकला है, तू कर रहा है संभाले चलने को। मोहित जी आप चले जाइए, घर में कौन सा मुझे अकेली को कोई खा रहा है, और वैसे भी शाम तक की बात है, आप जल्दी आ जाना। तुझ जैसी को कौन खा रहा, तेरे जैसी को ना मैं मौत कहीं भी। ठीक है तुम सब चले जाओ, मैं भी नहीं जा रहा। अरे तन्ने यू गाड़ी ला के खड़ी कर दी, इसे के मैं ले चलूंगी चला के, तुझे तो चलना ही पड़ेगा अब। अब अंदर चली जा घर में, हमारा सोन खराब करेगी, हमें लिखड़न देगी, हंस ना। चल चलो। भगवान जी आपने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दे दिया, मोहित जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन इस दुख के कारण मेरे परिवार वाले मुझसे प्यार नहीं करते। भगवान जी प्लीज मुझे इस दुख से छुटकारा दिला दो। ओए भाई आज कितना मजा आया ना वहाँ। हाँ यार मजा बहुत आया। भैया वैसे खूब मजा आया ना वहाँ। अरे क्या मजा आया, सब तो मेरे से नहीं पूछ रहे करुणा क्यों ना आई, करुणा क्यों ना आई। बस तो चुप रह ले। अरे ठीक रहा हूँ ना गई। अरे माँ मैं तो चुप रह लूँ, तू देखे अपने आप को, तेर पे यू एक ही धोती है, हर जगह इसी बांध के चल दे। अरे मैं तो बड़ी बूढ़ी हूँ, मेरा क्या दिखाया, चल तू जा अपना काम कर ले। चल चलो। भैया वैसे एक बात बुझू। हाँ बुझ, क्या बात है? भैया माँ भाभी को हमेशा उल्टी सीधी कहे जा, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा, वैसे आपसे कुछ कहती ना भाभी। अरे इसी बात की मारो तो मैं उससे इतना प्यार करूं, बस नहीं कह जा, माँ ही तो है, कोई बात ना।
और ना कभी अपने भैया से और माँ से कुछ कहती कि मेरी सास मेरी क्या लैसा करे। भैया पर इसमें भाभी की क्या गलती है? अरे क्या बात चल रही है भाई बहन में? आज भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे। कैसी बात करती है स्नूपी। अच्छा महारानी यहाँ दांत फाड़ रही है, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, काम ना तुझे कुछ। माँ जी वो हाँ बोल आगे को क्या बोल रही है? अरे माँ तू हर टाइम इसे क्यों सुनाए जा, इसका हंसने बोलने का हक ना आ क्या? तू ज्यादा छो में मत आवे, आ जा बैठ जा, आ जा। अरे ऐसी औरत को अल्ले पर्दे में रहने का फायदा, सोन खराब हो जाए इनकी शिकल देख क्या। ए भगवान पता नहीं किस का मुंह देख लिया सुबह सुबह। ए भगवान आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी, अब लोग मुझे किसी भी बातों पर ताने नहीं सुनाएंगे, मेरी गोद में भी एक छोटा सा बच्चा होगा और लोग मुझसे दूर नहीं भागेंगे। अरे तू रो क्यों रही है, तुझे किसी ने कुछ कही क्या? अगर किसी ने कुछ कही हो तो मुझे बता। अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं कही, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। अरे क्या खुशी है जल्दी बता। अरे माँ तेरा सारा कलेश कट गा। अरे काहे का कलेश काट रहा माँ का? अरे माँ करुणा माँ बनने वाली है। हैं सच्ची? आजा मेरी बच्ची। सच में जी माँ। हैं बहू, ए बहू कहाँ मर गई हो? जी माँ जी आई। जी माँ जी आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ए मेरी थैली में पैसे धरे थे तुमने लिए है क्या? नहीं माँ जी मैं आपके पैसे क्यों लेती? जा अपनी उस मनहूस बेटी से बूझ उसने तो ना लिए। जी माँ जी। साक्षी बेटा साक्षी, साक्षी बेटा क्या तूने अपनी दादी के पैसे लिए हैं? ना मैंने नहीं लिए दादी के पैसे। सच बता दो पैसे कौन सी ने लिए, अनी तो घर से बाहर खड़ी कर दूंगी तुम्हें। माँ जी अभी क्या बोल रही हो, अभी तो उसने बताया कि उसने आपके पैसे नहीं लिए। घर खा गया और पैसे इनको जरूर इसी का काम है यो, और ना लिखाड़े किसी ने भी। अरे माँ तू यू क्या कह रही है, जब तू ही ऐसा कहेगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वाह बेटा तू भी पराया कर दे, तेरी इस बहू ने सनातगिनियों में पराई कर रखी हूँ। अजी सुनो माँ जी नू कह रही साक्षी ने इनके पैसे लिए, पर साक्षी बोल रही है कि मैंने दादी के पैसे नहीं लिए। माँ तेरे पैसे कहीं चले गए तो इसमें साक्षी गलती क्या है, न्यू बता आज तक साक्षी ने करा ऐसा? अरे आज तक ना करा, आज तो कर दिया इसने। दादी मैंने आपके पैसे नहीं लिए, मैं सच बोल रही हूँ। अरे माँ तू ढंग से देख, तू ही रख के भूल गई होगी कहीं, अरे यू क्यों चुराएगी तेरे पैसे, अरे इसे चुरा के मिलेगा क्या? आज तक तो ना करा इसने ऐसा। तेरी बहू के तो बालक हुई है ना, इसे और उठा के मेरे सिर पर ला के धर दी हूँ, पता ना कौन है यू, कौन इसके माँ बाप है, अनाथ कहीं की। दादी माना के मैं आपकी पोती नहीं हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। ए तू चोर चोटी चुपकी खड़ी हो जा, एक तो पैसे निकाल लिया की जबान चला रही है। पापा आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अरे बेटी अगर बात बताने की होती तो हम तुझे बताते, तो हमारी बेटी है, दादी तो ऐसी बोलती रहती है, तो परेशान ना हो। बेटी अपनी दादी की बात का क्या बुरा मानना, यू दिल की बुरी ना है मेरी माँ, यू ऐसी करती रहे। ठीक है पापा जी, ये सारी बकवास तो कर दो बंद, अरे छोरी का कमरा चेक कर लो, वहीं पाओगे पैसे। अरे माँ पर यू क्यों चुराओगे तेरे पैसे? मैंने कह दी ना कि इसके कमरे की तलाशी ले, वहीं होंगे पैसे। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप क्यों नहीं समझती, आप इनको समझा दो हमारी साक्षी ऐसी नहीं है। अरे मम्मी आप दादी की बात मान लो, जब उन्हें वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खुद ही शांत हो जाएंगी। माँ अब भी वक्त है समझा, इसने ना चुराए होंगे पैसे, यू ना कर सकती ऐसा। अरे तू चुपका खड़ा हो जा,
कुछ जोर पड़ रहे हैं, इसके कमरे की तलाशी लेता है। चल तो तू भी अपना बहम मिटा ले। चल चलो आओ। अरे मिल गया ना मिले, जल्दी ढूंढ कर लाओ बाहर रखो। माँ जी अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तो घर खा गया, आसमान निकल गया उन पैसे इनको। अरे माँ कहीं ना मिले पैसे। तो मलक को हटो, मुझे ढूंढ दो। पैसे बता दे कर्मजली कहाँ धरे तन्ना, जल्दी बता। तेरे सिवा किसी ने नहीं निकाले, जल्दी बता दे कहाँ धरे पैसे। अरे माँ तू इसका क्यों जुम्मे हो रही है, अब तेरे पड़गी शांति। मिल गए तुझे पैसे? इसने चुराए, इसके बगैर किसी ने नहीं चुराए। अरे माँ तो इसकी चुटिया छोड़ पहले तो यूँ। अरे माँ जी अब ये बदतमीजी करना बंद करो, आप अपने कमरे में जाके देखो, शायद वहीं पड़े होंगे पैसे। अजी तमी चलो, हम ही देख लेंगे कमरे में जाके। अरे जा तू ही देखे जाके, माँ के कमरे में ही होंगे पैसे। बुढ़िया बेमतलब परेशान करती रहे। ऐसा मारूंगी दो गुद्दी में, बुढ़िया हुड़िया क्या आएगा। तो माँ जी मिल गए पैसे, आपके कमरे के बेड के नीचे पड़े थे। वैसे कितने रुपए थे आपके? होते कितने, 2 रुपया है। 2 रुपए? ये रे आपके 2 रुपए। अरे माँ तन्ने 2 रुपए के ऊपर इतना ड्रामा कर रखा, यू अच्छी बात है तेरी। अरे तुझे क्या पता मेरा ये 2 रुपए का सिक्का कितना लक्की है। जब से मैंने अपनी थैली में इधर आया ना 2 रुपए का सिक्का, जब से मेरी थैली में से पैसे ना टूटे, तुझे ही तो दिख रहा 2 का यू। मुझे तो यू करोड़ों में दिखा, करोड़ों में। ऐसा तू अब कुछ भी कहता रहा, मेरे 2 रुपए का सिक्का मिल गया, बात खत्म। बेटी क्या हो गया, काहे को परेशान हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया। बेटी मुझे पता तो अपनी दादी की बातों की वजह से परेशान है, पर ऐसा नहीं है, तेरी दादी बहुत अच्छी है, बस कभी कभी गुस्सा करने लग जाती है। पर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया जो उन्होंने मुझे अनाथ बता दिया? और उन्होंने ये भी कहा पता नहीं कहाँ से आई है, किसका खून है। सबकी दादी सबको कितना प्यार करती है, पर मेरी दादी मुझे प्यार ही नहीं करती। क्योंकि तेरी दादी सबसे अलग है, एकदम अलग। और हाँ तू फिकर क्यों करती है, मेरे पास एक आइडिया है दादी जी को मनाने का। क्या आइडिया है? फ्रिज में पेप्सी रखी है, जाके अपनी दादी को दिया, उन्हें बहुत पसंद है, मान जाएंगी वो। अगर दादी ने ना पी तो? अरे पियेंगी जरूर, अगर तू प्यार से पिलाएंगी ना तो पी लेंगी। ठीक है मैं अभी जाती हूँ। जा। दादी दादी ये लो मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ। क्या करूँ फिर इसका, मुझे तो ना पीनी तेरी पेप्सी। अरे दादी पी लो ना। तू सौंदा बजे है, कान मत खाओ मेरे, तेरे से कह दी ना पीनी तो ना पीनी। अरे दादी आप तो गुस्सा दिखा रही हो, ये लो ना मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ, पी के देखो। अरे तेरे से कितनी बेर क्या हूँ, मुझे ना पीनी ना पीनी, ले दे इस पेप्सी को, अनाथ होगी। अरे दादी प्लीज पी लो ना, तेरी समझ में ना आए, एक बार भी तेरे से कह दी ना मैंने ना पीनी तो ना पीनी। अनाथ है तू, अनाथ है ना, मैं तेरी दादी हूँ ना तू मेरी पोती है। और उन्होंने दिखे सिखे किसी ने से। माँ जी बस बहुत हुआ, क्या कहना चाहती हैं आप कि ये अनाथ है, इसे हम अनाथ आश्रम से लेकर आए? कितनी बार बोलेंगी आप, रुको आप मैं उन्हें सब कुछ अभी बताती हूँ। साक्षी फोन दे। हेलो, बस अब बहुत हद हो चुकी है, मेरी बच्ची के साथ ये इतना अन्याय कर रही है।
रो रो के दिखा रही है, ऐसे कर रही है फोन, उससे पढ़वा ले मेरी पूंछ। अरे मैं अच्छी तरह से जानू अपने बेटा को, मेरा बेटा कैसा। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, शायद दादी सही कहती है, मैं ही मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी मम्मी रोज परेशान होती है, माँ और दादी में रोज लड़ाई होती है। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे घर छोड़ देना चाहिए। साक्षी, पता नहीं कहां चली गई ये लड़की। साक्षी के पापा। हाँ। ये क्या है? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? क्या कर रही होगी? अरे क्या आप बता के क्यों चिल्ला रहे हो तम? हाँ? क्या बात है, क्यों रो रही हो? एक बाप की बेटी छिन गई तेरी वजह से। और क्या हुआ, वो मेरी बेटी ना ही, उसे मैं अनाथ आश्रम से लाया तो हमने उसे जन्म न दिया तो क्या होगा? कृष्ण जी की माँ भी आज यशोदा मैया ही कहलाती है। उन्होंने कहाँ कृष्ण जी को जन्म दिया, उन्होंने भी तो उन्हें पाला पोसा ही था। ऐसे ही पायली साक्षी की माँ है और वो हमारी बेटी है। और माँ जी, अगर आपको हमारी साक्षी से इतनी परेशानी है ना, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, पर हम अपनी साक्षी के बगैर नहीं रह सकते। पर मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे मैं साक्षी को प्यार करती हूँ, ऐसी तुम अपने बेटे से करती हो। बहू, बेटा मुझे माफ कर दो, साक्षी घर छोड़ के चली गई, इस घर की तो रौनक ही चली गई। तुम जाओ जल्दी से और उसे ढूंढ के लाओ। अब कहाँ से ढूंढे उसे, अब पता नहीं कहाँ गई होगी वो, लेकिन जहाँ भी गई है आपकी वजह से गई है वो। अरे कौन है मेरी आँख फोड़ेगा के? एक तो मेरी पोती चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई, छोड़ मेरी आँख, मुझे तो वैसे कम दिखे है। दादी है साक्षी, तू आ गई, तू कहाँ चली गई थी? दादी मैं आ गई, अब तो आप मेरे हाथ का खाना खाओगी ना? हाँ मैं तेरे हाथ का खाना जरूर खाऊंगी, तू मेरी पोती है ना, देख ले तो आ गए तेरे सफर। आ गई साक्षी। और हाँ, तेरे कान पाड़ लूंगी जो तू कभी भी इस घर से बाहर गई। नहीं दादी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब एकदम ही घर से बाहर जाएगी तब तेरी शादी करूंगी, ठीक है? नहीं दादी, मुझे भी शादी नहीं करनी।